हे सो गाइस वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो एंड गाइस इस वीडियो में बताऊँ कैसे ब्राउन इफेक्ट्स फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो गाइस जो आपको स्क्रीन फोटोज में कलर काफी अमेजिंग है एंड गाइस आज की वीडियो बताऊँ कैसे ब्राउन इफेक्ट्स की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो गाइस सो गाइस अगर आप इस तरह की फोटो एडिट करना चाहते हो गाइस आपको क्या करना है सिंपली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे आप इस तरह की एडिटिंग कर सकते हो सो गाइस सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए एंड गाइस अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाकर जो डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो सो या गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट यहाँ पे ना लाइटरूम की एप्लीकेशन ओपन कर लिया ठीक है एंड इसमें आपको एक फोटो इंपोर्ट करना है जिससे आप एडिट करना चाहते हो तो गाइस मैंने ऑलरेडी एक फोटो इंपोर्ट करके लाइटरूम की एप्लीकेशन के अंदर है ठीक है तो सिंपली अगर आपको नीचे स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको एक ऑटो का ऑप्शन मिलेगा सिंपली आपको क्लिक करना है इस ऑटो वाले ऑप्शन पर इसी और फोटो में जो कलर होंगे वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं ठीक है एंड उसके बाद स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको एक कलर का ऑप्शन मिला क्लिक करना है इस कलर के ऑप्शन पे गाइस एंड यहाँ से इसकी वाइब्रेंस इंक्रीज़ करनी ठीक है वाइब्रेंस में यहाँ पे 54 या 57 के आसपास कर लूँगा ठीक है एंड उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है मिक्स वाले ऑप्शन पर तो मैंने मिक्स वाले ऑप्शन क्लिक कर लिया ठीक है एंड यहाँ पर जो सेकेंड कलर दिखा ऑरेंज क्लिक करना है इस पर गाइस एंड इसका सेचुरेशन हल्का सा माइनस करना है एंड लूमेस को इंक्रीज़ कर लेना थोड़ा सा गाइस ठीक है इससे क्या होगा फेस थोड़ा ब्राइट हो जाएगा एंड उसके बाद सिंपली आपको जाना है इस येलो कलर पे जाना गाइस ठीक है क्लिक कर लीजिए एंड इसका ह्यू एकदम -100 कर लेना गाइस ठीक है एंड सैचुरेशन को भी थोड़ा सा माइनस कर लीजिए ठीक है तो सैचुरेशन में इतना कर लूँगा एंड उसके बाद सिंपली आपको जाना है इस ग्रीन कलर पर एंड इसका भी सेम करना है ह्यू माइनस करना गाइस ठीक है एंड सैचुरेशन को भी थोड़ा सा माइनस कर लीजिए गाइस एंड उसके बाद सिंपली आपको जाना है यहाँ पर इस डार्क ब्लू पर जाना गाइस ठीक है डार्क ब्लू पे जाओगे एंड इसका ह्यू माइनस करना पूरा 100 ठीक है एंड सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर लीजिए एंड गाइस उसके बाद सिंपली आपको ऊपर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको जो नीचे एक अगला ऑप्शन दिख रहा है स्क्वायर का क्लिक करना है इस पर एंड इसकी टेक्स्चर थोड़ी सी इंक्रीज़ करने गाइस ठीक है एंड क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिए गाइस ठीक है यहाँ पर मैं क्लियरिटी बढ़ा दूँगा यहाँ पर फोटो में 47 बढ़ा दी मैं ठीक है 52 कर लिया ठीक है मैंने क्लियरिटी तो क्लियरिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लीजिए तो यहाँ पे क्लियरिटी मैंने 52 कर लिया ठीक है एंड विगनेट को माइनस करना है यहाँ पे ठीक है विगनेट मैं इतना कर लूँगा ठीक है 41 के आसपास तो विगनेट मैंने इतना कर लिया एंड उसके बाद सिंपली आपको जाना है यहाँ पर ऊपर स्प्लिट टोन पर गए ठीक है स्प्लिट टोन पर जाओगे एंड यहाँ पर जो नीचे हाईलाइट्स का जो नीचे पॉइंट्स दिखा ठीक है इसको हल्का सा ऊपर ले जाना ब्राउन की तरफ ऐसी है तो यहाँ पर हल्का ऊपर ले आऊँगा इतना इस तरफ ऐसी है और इसकी जो बैलेंस है थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगा इससे ठीक है जिससे कि तो ब्राउन इफेक्ट्स आ जाए फोटो में ऐसी है तो मैं इसको हल्का सा इतना कर लिया मैंने ऐसी है और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा एंड डन पर क्लिक कर लीजिएगा इसी का डन पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे नीचे इस ट्राई एंगल के ऑप्शन में क्लिक करना होगा ऐसी है एंड इसकी शार्पनिंग थोड़ी सी बढ़ा देनी है गाइस आपको शार्पनिंग बढ़ा दीजिए एंड यहाँ पर नोज रिडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लीजिए स्मूथनेस के लिए एंड नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा कलर नोज रिडक्शन इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिएगा ठीक है एंड गाइस यहाँ पे देखिए फोटो में स्मूथनेस आ जाएगी ठीक है ये देखिए स्मूथ हो चुकी है फोटो तो ये कलर नोज रिडक्शन और ये नोज रिडक्शन स्मूथनेस के लिए आएगा ठीक है और यहाँ पे अब देख सकते फोटो में एकदम ब्राउन इफेक्ट्स आ चुके हैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाओ पहले तो गाइस फोटो पहले ऐसी थी एंड लाइटरूम में एडिट करने के बाद फोटो बन चुकी ऐसी जिसमें एकदम ब्राउन इफेक्ट्स आ रहा फोटो में और फोटो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है तो गाइस मैंने जो आपको स्टेप बताया इसको फॉलो कीजिए उसके बाद आप भी इस तरह की एडिटिंग कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो इस फोटो सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो में लाइक करो शेयर करो और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो एंड गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना तो मिलता हूँ आपको अगली एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद